मानसून शुरू, डेंगू ने फिर सर उठा लिया। शहर में 5,200 मकामात डेंगू हॉटस्पॉट करार। DHA जौहर टाउन, मक्का कॉलोनी, गुलबर्ग के इलाकों में डेंगू की निशानदही। इंतजामिया ने शहर में डेंगू लार्वा तल्फ बारे हाई अलर्ट जारी कर दिया। 8,000 मुलाजमीन को फॉगिंग स्प्रे के लिए ड्यूटियां तफवीज कर दी गई। DC लाहौर की जर सदारत इंसदाद डेंगू इजलास। उमर शेर चट्ठा कहते हैं डेंगू लार्वा की निशानदही पर लार्वा को फौरी तल्फ किया जाए। डेंगू से बचाव के लिए अवाम एहतियाती तदाबीर को अपनाए। अवाम को महंगी बिजली के जोरदार झटके लगाने की तैयारियां। आइंदा 3 माह में बिजली की कीमत में 7 रुपये 91 पैसे तक इजाफे का इम्कान। फी यूनिट टैरिफ 24 रुपये 82 पैसे हो जाएगा। 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग का जिन फिर बेकाबू। शहर के मुतादिद इलाकों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लेस्को को 500 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। माली मुश्किलात का शिकार वासा को एक और मुश्किल। वासा बिजली के बिलों की मद में 80 करोड़ रुपए से जायद का नादेहिंदा निकला। बिलों की अदम अदायगी पर वासा इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू। वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग की बिजली का कनेक्शन फिर मुनकता कर दिया गया। वासा ने जनरेटर चलाकर दफ्तरी अमूर सर अंजाम देना शुरू कर दिए। बिजली न होने से वासा के महकमाना अमूर मुतासर होने लगे। पंजाब असेंबली में बड़ी कानून साजी। वज़ीर आला को ओहदा छोड़ने के बाद मिलने वाली मुराद के खात्मे का बिल मंजूर। उस्मान बुस्तान हुकूमत की तरमीम कानूनी बिल के जरिए मुतफिका तौर पर खत्म कर दें। पंजाब मिनिस्टर्स तरमीमी बिल के जरिए वज़ीर आला वुसरा की 2019 की मुराद बहाल। बुस्तान दौर में मंजूर साबिक वुसरा आला वुसरा के इजाफी मुराद खात्मा। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का पंजाब असेंबली इस्तेहकाक बिल मंसूख। इस्तेहकाक बिल के जरिए सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त सजाओं का कानून खत्म। इस्तेहकाक कमेटी को सरकारी अफसरान को 6 माह कैद जुर्माने की सजा का इख्तियार दिया गया था। ऐवान इकबाल में बजट इजलास पर वज़ीर आला नाखुश। हमसा शहबाज कहते हैं वज़ीर खजाना और कबीना 48 घंटे बजट पेश होने का इंतजार करते रहे। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए आईन और कानून का तमाशा बनाया गया। कानून के रखवालों ने कानून को पैर तले रौंद दिया। डेप्यूटी स्पीकर की जरूरत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ऐवान इकबाल में गैर आइनी इजलास बुलाकर गैर आइनी बजट मंजूर किया गया। हुकूमत को बजट की एक एक पाई का हिसाब देना होगा। पंजाब की जारी हुकूमत से आवाम को खैर की कोई तवक्को नहीं। PTI के लोटों को ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी निशान भी लोटा ही दिया जाएगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली सप्तान खान का हमजा शहबाज की तकरीर पर रद्द अमल। लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार। 4 नशिस्तों पर 50 से ज़ायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। 7,22,878 वोटर्स हक़ राहे दही इस्तेमाल करेंगे। 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्ज़ाम मोनिस इलाही ने जमानती मुचलके बैंकिंग कोर्ट में जमा करा दिए। अदालत ने मोनिस इलाही की 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर रखी है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। जस्टिस शाहिद वहीद लाहौर हाईकोर्ट में सीनियरिटी में 4वें नंबर पर हैं। नसीर चौहान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत 30 जून तक मुलतवी। सेशन अदालत ने SHO जौहर टाउन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। 19 जून को नसीर चौहान ने पुलिस 20 सिक्योरिटी गार्ड्स के हमला हमला किया। PTI उम्मीदवार शबीर गुजर का मौकिफ। मार्केट कमेटियों को तहलील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने मार्केट कमेटियों को तहलील करने के नोटिफिकेशन मौसूल कर दिए। अफ्रीकन के वकला को 27 जून को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। शाहबाग में इंसानियत सोच वाकया। नामालूम मुलजिमान कूड़े के ढेर में नौमुलूद बच्ची फेंक कर फरार। खाक रूप ने बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर रेस्क्यू को इतला दी।
डबल वन डबल टू की टीम ने बच्चे को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। स्कूल कॉलेजेस के तलबा में आओ खत लिखें मुहिम शुरू करने का प्लान। पोस्ट मास्टर जनरल ख्वाजा इमरान की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। पोस्ट ऑफिस में डिजिटलाइजेशन और सर्विस डिलीवरी के हवाले से तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा जदीद दौर में पोस्ट ऑफिस को भी टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना होगा। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान लतीफ की जर सदारत इजलास यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की सूरत हाल का जायजा। कौमी सेहत कार्ड के तहत दस्तियाब तमाम तिबी सहूलियात पर तबादला ख्याल। जीरो वेस्ट मुहिम के दौरान 621 ओपन प्लॉट्स की क्लियरेंस का मिशन। LWMC ऑपरेशन टीमें शहर में मुतहरिक। CEO LWMC राफिया हैदर कहती हैं 4 टाउन्स के प्लॉट्स 100% क्लियर। 5 टाउन्स में क्लियरेंस का अमल जारी है। इससे कब शहर को जीरो वेस्ट करने के लिए टीमें 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद हैं। ट्रेन शेड्यूल मामूल पर ना आया। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। शहरी को खराब मैट्रेस देना दुकानदार को महंगा पड़ गया। खरीदार ने दुकानदार के खिलाफ 5 लाख रुपए का हर्जाना दायर कर दिया। सारी अदालत की जानिब से शोरूम इंतजामिया को नोटिस जारी। PCB का क्रिकेट फाउंडेशन बनाने का फैसला। चेयरमैन PCB रमेश राजा कहते हैं 15 अरब रुपए का बजट मंजूर किया गया है। 200 फर्स्ट क्लास खिलाड़ी हमारे पेरोल पर है। अक्टूबर में जूनियर लीग का ऐलान करेंगे। खवातीन खिलाड़ियों की कारकर्दगी बहुत बेहतर हुई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बच्चों की फलाह बहबूद के लिए कोशिश। चेयरपर्सन सारा अहमद की नई रेस्क्यू होने वाली बच्चियों से मुलाकात। सारा अहमद ने ब्यूरो में मुकीम बच्चियों के साथ वक्त गुजारा। बच्चियों के साथ मुख्तलिफ गेम्स भी खेले। और पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का इनका। चैंपियनशिप 4 मराहल में तकसीम। इवेंट का मकसद ग्रास रूट लेवल पर किलो फ्रॉग देना है।